एफएपीसीसीआई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर तमाम मुझे जितनी भी नॉलेज है, मैं ये महसूस करता हूँ कि 93 इयर्स से कोई ऑर्गेनाइजेशन चलना मामूली बात नहीं है, और ये ऑर्गेनाइजेशन जब चल रहा है तो इसके अंदर काफी एक्सपर्ट्स मौजूद है, इसीलिए 93 इयर्स से ये ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। बल्कि मेरी नॉलेज के हिसाब से आंध्र प्रदेश का फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो 93 इयर्स कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि 93 इयर्स मामूली बात नहीं है कि सारे लोग इकट्ठा मिलके चलना, क्योंकि एक घर में चार भाई रहते तो वो लोग इकट्ठा 10-20 साल नहीं रह सकते, और यहाँ पे 93 इयर्स के अंदर कई ऐसे भाई है जो हर कास्ट के है। इसका मतलब सही सेकुलरिज्म अगर कहीं कोई देखने में मिल रहा तो फैप्सी में मिल रहा। ये एक फैप्सी की मिसाल है, और मैं फैप्सी के ऑर्गेनाइजर्स को और प्रेसिडेंट्स को और फैप्सी के इम्पोर्टेंट लोगों को मेरी तरफ से थैंक्स अदा करता हूँ, क्योंकि इतने अच्छे फंक्शन में मुझे आपने बुला के न सिर्फ मेरी इज्जत बढ़ाई बल्कि मेरी हिम्मत बढ़ा दी आप। अब रहा सवाल, आने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट लोग कुछ क्वेश्चंस पूछे, और उसके साथ साथ ये मुझे एक ग्रेड दिया गया कि भाई साहब आप एज ए डिप्टी मेयर बहुत यंग है, तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि मुझे भी ग्रैंडसन और डॉटर है, छोटा आई एम 50+, मगर फैप्सी में आने के बाद जरूर जवान हो गया, मैं अपने आप को बहुत छोटा ही समझता हूँ। अब रहा ये जो मार्ग, आज जो स्ट्रीट का नाम फैप्सी मार्ग के लिए जो बलदिया में हमारे पास स्टैंडिंग कमेटी में प्रपोजल आया था, जिसे न सिर्फ मेरी पार्टी बल्कि तमाम कारपोरेटर खुशी खुशी इसलिए इस चीज को एक्सेप्ट करे हैं, क्योंकि 93 ईयर के बाद जब 100 ईयर्स का फंक्शन होगा तो हम प्राउड से ये बोल सकते हैं कि हम भी एक पार्ट ऑफ फैप्सी।